अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिनकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्लस कोर्स ले रहे हैं, कोई भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको CPE10 ये जो रेफरल कोड है ये अप्लाई करना है। CPE10 ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स खरीदें। CPE10 रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइस, इस वीडियो में है पूरे स्पीडी जीके का निचोड़। इस सीरीज़ में 2000 क्वेश्चन रहेंगे। ये वीडियो का पार्ट वन है, जिसमें हम लोग आज 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस आपने दिया, अच्छा प्यार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी हम लोग 1 से 2 दिन में चैनल पर ला देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो सेकेंड पार्ट है वो मिस ना करें। और आपको यही चैनल पर मिलेगा सेकेंड पार्ट कॉम्पिटिटिव पाठशाला, और जब वो अपलोड किया जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आप वीडियो देखते देखते बोर भी हो जा रहे हैं तो पॉज़ करके आप रख सकते हैं, फिर जब आपका दोबारा पढ़ने का मन हो तो आप देख सकते हैं। देखिए, किताब से याद करना और वीडियो देख कर याद करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आपको भी पता है। क्योंकि आपने देखा होगा डिस्कशन में, या फिर कुछ देखने से, या फिर सुनने से, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी इंसान कैच करता है, बहुत जल्दी याद होती है, और बहुत ज़्यादा देर तक भी वो उनके दिमाग में रहती है। तो यही फ़र्क है, तो वीडियो से पढ़ना और किताब से पढ़ने में। और ये जो वीडियो है वो सभी ही प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी सारे अपडेट्स हो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे उसकी नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। ठीक है, नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ने से, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ठीक है, वेवलेंथ घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, और योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन आपका 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। ठीक है, लूना 10 था चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह। उसके बाद है, रोलट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, रोलट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो है 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 में इसको पारित किया गया था, इसको काला कानून के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है, कर्णव मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये भार उत्तोलन यानी कि भार उठाने वाले खेल से संबंधित है कर्णव मलेश्वरी। ठीक है, कर्णव मलेश्वरी भार उठाने के खेल से संबंधित है। उसके बाद है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में आप देख सकते हैं, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। उसके बाद है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेका लीटर कितना होता है? तो आपको भी पता है, एक डेका लीटर बराबर होता है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर बराबर एक डेका लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? ठीक है, आविष्कारक यहाँ पे होना चाहिए, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो वो है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर है, गैलीलियो को माना जाता है थर्मोस्कोप का आविष्कारक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो वो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है, ठीक है। इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है द रियल डील के उपनाम से, और क्या है वो, बॉक्सर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है, ठीक है, बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, ठीक है। इसका सूत्र होता है CH4, ये भी आपको ध्यान में रखना है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ठीक है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? टोटल दो, ठीक है, दो उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, ठीक है, चपटा गोल है पृथ्वी का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ आर्टरीज रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से भरी होती है जो कि रक्त का वहन करती है धमनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, निकोसिया है साइप्रस की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आँखों की आँखों में लेंस का क्या काम है? ठीक है, हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो आँखों की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है, आँखों की फोकस दूरी को बदलना। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जिसको होता है, उसमें लेंस यानी कि हम लोग चश्मा पहनते हैं जो कि फोकस दूरी को बदल के हमें देखने में सहायता करता है, जो चीज़ हमें धुंधली दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? तो दाम्बूला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ है? आपका श्रीलंका में है, ठीक है, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग TB दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व TB दिवस, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर से वह व्यक्ति जो किसी भी डेटा को अनधिकृत पहुंच इलीगली उसे प्राप्त कर लेता है कंप्यूटर का उपयोग करके, ठीक है, तो उसे ही हैकर बोला जाता है उस आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर थे पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी। उसके बाद है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है वॉल्ट डिज्नी, ठीक है, वॉल्ट डिज्नी है सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर जीतने वाले पुरुष। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। उसके आधे क्वेश्चन, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो कि अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो वो है फलक्रम, ठीक है, फलक्रम, फलक्रम कहते हैं लीवर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो VMI का, ठीक है, VMI का उपयोग किया जाता है मोटापे को नापने के लिए। उसके बाद है, सौर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह, सभी को पता है बुध ग्रह है सौर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे पास भी है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है ग्रैंड अनिकुट, ठीक है, जो कि कलनाई में है, ग्रैंड अनिकुट है उस बांध का नाम जो कि कलनाई में है, भारत का सबसे पुराना बांध है। उसके बाद है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में आयोजन किया गया था इसका। उसके बाद है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सोनार का, ठीक है, सोनार का, और इसके वेवलेंथ से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ किस दिशा में है और कितना दूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो वो है आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उसके बाद है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो लाइका, ठीक है, लाइका था प्रथम कुत्ते का नाम जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गया था। उसके बाद है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो वो है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है।
कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोचिप बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। माइक्रोचिप है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम। 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 100 मिलियन बराबर होता है 10 करोड़। ठीक है, और 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गिनीमिड है? तो बृहस्पति के एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं गिनीमिड, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? तो वो की थी CN अन्नादुरई ने। ठीक है, CN अन्नादुरई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं टोटल। ठीक है, 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला वो हैं? कमलजीत सिंधु। ठीक है, कमलजीत सिंधु, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कमलजीत सिंधु जो है वो एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंकगणितीय व तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो वो है ALU। ठीक है, अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU। नेक्स्ट है, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस ने ये भेंट की थी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो वो है जोनास सॉल्क। ठीक है, जोनास सॉल्क पोलियो की टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, पॉड कहा जाता है डॉल्फिन के समूह को। नेक्स्ट है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, UK में है इसका मुख्यालय राइटर्स, जो कि एक समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चाप का वायलन के साथ है वह प्लेटूम्स पत्ती है? तो सितार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, NTPC ग्रुप डी और जो भी रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं उसके अलावा SSC के भी सारे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट के इसमें आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI से अभिप्राय है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, और कौटिल्य भी नाम था इनका, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये तीनों ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो वो है पिया वुत्जवैंक ने। ठीक है, पिया वुत्जवैंक ने जीता था 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वो है कोशिका, सेल। सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो वो था ब्रिटेन का। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? ठीक है, तो ये है बिग हीरो। ठीक है, 2015 में, ये 2015 का जो पेपर है उसमें का GK है, इसीलिए उसमें का करंट अफेयर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट नोबल धातु, तो उत्कृष्ट नोबल धातु क्या होता है? चांदी। चांदी इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है Ag। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, मुक्काबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया? तो ये है गुरुचरण सिंह, ये 2015 का है, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकीनाथ बोस। ठीक है, जानकीनाथ बोस जी थे सुभाष चंद्र जी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो वो है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट से। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घना आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वो है सिडनी। ठीक है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला शहर। उसके बाद है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है?
तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हामिंग बर्ड, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी भी है, पीछे की उड़ने पीछे की तरफ ये उड़ता है, ठीक है, हमिंग बर्ड ध्यान में रखना है आपको नाम। नेक्स्ट है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो वो है प्रशांत महासागर में, ठीक है, सबसे गहरा ट्रेंच है ये 10,000 फीट से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है ONGC का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य द्वारा होता है, ठीक है, सूर्य द्वारा होता है जल चक्र का संचालित, ठीक है, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो वो सबसे पहले किया था बर्जीलियस ने, ठीक है, जो भी सारी रासायनिक प्रतीक है उसका सबसे पहले उपयोग विधि बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है, तो वो है बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो वो है परमाणु संलयन, ठीक है, परमाणु संलयन से। नेक्स्ट है रॉबर्ट गॉलब्रेथ्स को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो है जेके रॉलिंग, ठीक है, जेके रॉलिंग। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, तो वो है आर्थर ट्रांसले, ठीक है, आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द विषु संदर्भित है, तो शब्द विषु का अर्थ क्या होता है, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, जब उसी को कहा जाता है विषुभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, तो वो है ब्लू व्हेल, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपाई, कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो वो है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित पूरी तरह से। नेक्स्ट है लाइट पेन क्या है, तो ये है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। विकास का सिद्धांत यानी कि विकासवाद का सिद्धांत इवोल्यूशन का किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो है चार्ल्स डार्विन द्वारा, ठीक है, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है, तो वो है स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, क्या नाम था उनका, भास्कर, ठीक है, भास्कराचार्य। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो वो है जाइलम, ठीक है, और उसको लेकर जाता कौन है, वो है फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ़ कीजिएगा, उसको बनाने में फ्लोएम मदद करता है, उसका परिवहन जो है वो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन में, ठीक है, लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। उसके बाद है सेशेल्स द्वीप कहाँ है, तो सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में है सेशेल्स द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमी वेल्स और लेरी सिंगर किससे संबंधित है, तो ये विकिपीडिया से संबंधित है, उसके फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका चीन में। नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में, सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है, सबसे ऊँचा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी, तो नदिया कोमलेदी, ठीक है, नदिया कोमलेदी उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति के जनक है यूक्लिड, ठीक है,
यूक्लिड्स हैं, ज्यामितीय जनक। उसके बाद लास्ट सपर किससे चित्रित किया था, तो वो किया था लियोनार्डो द विंसी ने, ये उनकी चित्रकारी है, ठीक है, लास्ट सपर। नेक्स्ट है लीमर, क्या है, तो लीमर जो है वो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, उसको एक और नाम दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है रडार किससे व्युत्पन्न है, ठीक है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके बाद है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है, तो वो है असम, ठीक है, असम का ही ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो वो है अमरकोश, ठीक है, अमरकोश है। नेक्स्ट है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, तो वो है बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा जो कि यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है, ठीक है, CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो लकड़ी के बने थे। नेक्स्ट है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे दिया गया था, एंजेला मॉर्गिल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो वो है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है और इसको लेकर जल विवाद भी है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविकाकिंत्रम किसने लिखा था, तो ये लिखा था कालिदास ने, ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो 30,000 साल पुरानी है ये गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी है जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है, तो यह एक कार्बन का अनुरूप है, ठीक है, कार्बन का अनुरूप है ग्राफीन कार्बन का अनुरूप है। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो वो है मच्छर, ठीक है, मच्छर जीका वायरस के द्वारा संचारित होता है मनुष्य में। ये सारे हैं NTPC के पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 1920 में प्रक्षेपित किया जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो इसका नाम था आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित आकाश है, तो आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो वो 2013 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश MP में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पाषाण आश्रय के लिए, ठीक है, रॉक शेल्टर्स के लिए वो प्रसिद्ध है बहुत। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध नो टोबैको दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे। नेक्स्ट है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 या 3.5 डिग्री फॉरेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया, ठीक है, इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन है, तो क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है एक अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, जो केवल खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था, तो ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध का कोड नाम था। नेक्स्ट है डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया, ठीक है, डीबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो भी सारी गलतियां उसे जांच करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस शहर में स्थित है? तो ये सबको पता है, कोलकाता में है ये विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आर को, रुपीज़ को किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 में इसको चेंज किया गया, इसका सिंबल ऐसे किया गया, ठीक है, ये है। पहले ऐसे दिया जाता था। उसके बाद है सूचना का अधिकार RTI, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट है पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अक्षय है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पेयजल का शुद्धिकरण शोधन किया जाता है। उसके बाद है यह कथन कि मानव के लिए छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कहा गया था। जैव प्रौद्योगिकी के तात्पर्य क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, ठीक है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, एक गतिशील वस्तु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया? तो ये तुर्की द्वारा, ठीक है, तुर्की द्वारा रूसी सुखोई 24 विमान को 2015 नवंबर में मार गिराया था। BIOS, ठीक है, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS, BIOS का है फुल फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऊंचाई पर उड़ते समय विमान के केबिन के अंदर क्या दबाव होता है? कौन सा दबाव होता है? बाहर की तुलना में अधिक दबाव होता है, ठीक है, बाहर में जो दबाव होता है विमान उड़ते समय उससे कई ज़्यादा दबाव होता है उसके केबिन के अंदर। नेक्स्ट है 103वें भारतीय विज्ञान 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो मैसूर में किया गया था, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी है भारत की लंबी सबसे दूसरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय? तो वो है साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से क्या अनुपात है? तो वो है 11:18, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ठीक है, ऑस्टियो है तो ये हड्डी से संबंधित होगा, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? तो ये दर्दनाशक व ज्वरनाशक दवा है, ठीक है, दर्दनाशक व ज्वरनाशक दवा है OTC दवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो IP एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, ठीक है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है IP एड्रेस का अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो वो है इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स 2019 विश्व कप की मेज़बानी करने वाले थे। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने वाला वकालत किसने शुरू किया था? तो वो है राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने का सिलसिला चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत मिशन किस लिए है? तो वो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है ओडिशा, ठीक है, ओडिशा को माना जाता है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? कैपिलरी प्रक्रिया, ठीक है, कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा ये कार्य होता है, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही जो सोखने का कार्य होता है, ठीक है, और दिया जो जलता है, ठीक है, दिया जो जलता है उस वो भी केशिकत्व की क्रिया के कारण ही जलता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दिया जो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो ताम्र निकेल मिश्र धातु से, ठीक है, तांबे और निकेल के मिश्र धातु से। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित था ये? तो ये था महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित। नेक्स्ट है
कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये मछली का तेल, कॉड लीवर ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान स्थित है? तो थार का रेगिस्तान है राजस्थान में। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी अध्ययन होता है कैंसर का, ठीक है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, दबाव को नापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से, ठीक है, बल एवं क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था? तो सियाचिन में किया था, ठीक है, सियाचिन में किया था ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है, और जो लाल रंग होता है जिसपे घिस के हम लोग जलाते हैं वो भी फास्फोरस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो वो है नाग, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है ये। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो वो है सल्फर यौगिक, ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन में कोई भी गंध नहीं होता है जो कि LPG में होता है, जिसके कारण गैस लीक होने पे पता नहीं चलता है, इसी कारण ये मिलाया जाता है सल्फर यौगिक, जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि गैस लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मवेशी रोग निगरानी का पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो वो है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो IMPS, ठीक है, ये धन जो ट्रांसफ़र होता है, मनी ट्रांसफ़र, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता सूचनांक किसके बीच हो? तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है, तो वो 151 से लेके 200 के बीच हो। तो नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, IFSC का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IFSC का संक्षिप्त रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रुपए के चिन्ह RQ डिज़ाइन को किस करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा में विजेता कौन थे? तो वो थे उदय कुमार, जिन्होंने ये साइन बनाया और यही साइन अपनाया गया। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था? तो वो था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट पहला भारतीय संचार उपग्रह था। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप को, ठीक है, हेलियोस्कोप द्वारा सूर्य को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी, जितना दूर तक हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग ISL का चैंपियन कौन था? तो चेन्नई FC, ठीक है, चेन्नई FC था दूसरे ISL का चैंपियन। नेक्स्ट है, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो, ठीक है, ZA भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो वो है श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? तो सोलर सूर्य से संबंधित है और लूनर चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है, लूनर चंद्रमा से संबंधित है। भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ठीक है, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आता है, और भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है फ्रांस में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में है। नेक्स्ट है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? कितना ज़्यादा, 130 डेसिबल के ऊपर का अगर साउंड रहा तो वो क्षति का कारण बनता है कान के लिए और दर्द का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो रूस,
ये 2015 का करंट अफेयर है, ये आपको नहीं देखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण LOC कब परिवर्तित किया गया था, तो ये 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो कपास एवं कपास के लत्ते। ठीक है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है कपास एवं कपास के लत्ते। नेक्स्ट है, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों का। ठीक है, पादप, यहाँ पादप मतलब भी पौधे ही होते हैं, तो पादप यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है, तो चीन में है ये। ठीक है, चीन में है कैंटन टावर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या है, तो कणिकीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 द्वारा जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम उस 7 जनवरी 2016 को जारी जो रैंकिंग की गई थी उसके हिसाब से 1 नंबर पे था। खगोलीय लीप वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर को मापा जाता है किससे, प्रकाश वर्ष से। स्वर्ण बेलगोला कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो वो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, LPG। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु में होता है सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू। GSAT-16 क्या है, तो GSAT-16 है आपका एक संचार उपग्रह। ठीक है, GSAT-16 है आपका एक संचार उपग्रह। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कुल कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, तो टोटल 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। नेक्स्ट है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये है नथानियल वाल्डेन। ठीक है, नथानियल वर्ल्ड दी। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो ये एक सर्विस है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी, तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया, तो वो मेघालय था। ठीक है, मेघालय ने जनधन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेश हासिल किया। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के द्वारा होता है, तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषणा अंतिम तिथि क्या थी, तो वो थी 30 जून 2016। ठीक है, 30 जून 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, तो सामंजस्य कहते हैं। ठीक है, सामंजस्य एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है, एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम को सहायता पृष्ठ को खोलता है। ठीक है, तो वो है F1। नेक्स्ट है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम, तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो हैचलिंग। ठीक है, हैचलिंग कहा जाता है मगरमच्छ के बच्चे को। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, तो असम। ठीक है, दार्जिलिंग नहीं है, असम है। नेक्स्ट है, कुंडुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में, कुंडुकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था किसने, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिमोट
सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान एक को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, किस वर्ष इसको प्रक्षेपित किया गया था, 2008 में। नेक्स्ट है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTML, ठीक है, HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं HTML। नेक्स्ट है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो वो हैं युवराज सिंह, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है, तो वो नियामक प्राधिकरण है बैंकों का। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था, जो कि 1911 में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है, कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया, तो वो है मानस वन्य जीव अभ्यारण असम का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया, तो 1982 में, ठीक है, 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो वो है इटेलसैट, ठीक है, इटेलसैट आपका उपग्रह है जो कि सेवा प्रदाता है, ठीक है, इटेलसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है पर्णवाती वन। नेक्स्ट है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है, तो वो है उनका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन राज्य मार्गों के विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या बताता है, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा दिया जाता है, इसलिए ताकि आप साबित हो वहाँ पे हो कि आप एक ह्यूमन है, आप रोबोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, वो किसका कारण होता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन का। नेक्स्ट है, कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है, तो वो है PMFBY, ठीक है, PMFBY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो है अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से उसको उत्थान में उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.8 से लेकर 8 डिग्री की कमी होती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है, हाइपरपायरेक्सिया कहा जाता है। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया, तो विलाल में, ठीक है, विलाल में मार दिया गया ओसामा बिन लादेन को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है कंठ को। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट है, डू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो वो है कृष्ण विवर का, ठीक है, कृष्ण विवर का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो वो है आपका गुर्दे की खराबी, ठीक है, किडनी में कोई भी खराबी हो उसके कारण डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो वो है 31 अक्टूबर। IAO, ठीक है, IMO का विस्तारित रूप क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है, इन टूर्नामेंट का नाम है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विवंडल ओपन, ठीक है, विवंडल ट्रॉफी, ये सभी कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है जिसको जीतने के बाद एक ग्रैंड स्लैम दिया जाता है। नेक्स्ट है, हीराकूट जलाशय का किस नदी पर निर्माण होता है, तो ये है महानदी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कल्पना चावला
अंतरिक्ष में कौन से यान में गई थी? तो वो है कोलंबिया यान। क्रिकेट, विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है 2013 वर्ष, ठीक है, 2013 में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भगत सिंह द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, दास वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश यानी कि गुलाम वंश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति के आधार पर चुनावी आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मिलीमीटर में 10 किलोमीटर बढ़ते हैं? तो वो है 10^7 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 GB का मान दशमलव में क्या है? तो 1000³ बाइट्स। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2010 को बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर किस आधार पर ब्याज देना शुरू किया? तो दैनिक आधार पर। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है, पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वो बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है, सर्वहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है किस पे? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अध्ययन के दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वो है भूगर्भ शास्त्र। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक बिपिन चंद्र पाल हो गए, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी, उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है मच्छर द्वारा, ठीक है, मच्छर द्वारा ये वायरस पहुंचता है एक शरीर से दूसरे शरीर। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है किसे? व्यक्ति और संस्थाओं को, ठीक है, व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो 1972 में बना बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहें? तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक एक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट है? तो यह है अम्बाला शहर, ठीक है, अम्बाला। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, वो एक ग्रंथि है, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं, सारे NTPC में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किस वजह से ले रहे हैं? उसकी अधिक दक्षता के कारण, ठीक है, अधिक ज़्यादा एफिशिएंसी है उनकी, इसलिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? वो है व्यास, डायमीटर। गुरु शिखर क्या है? ये अरावली जो रेंज है, सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर उसकी। सबसे पहले DNA को किसने अलग किया? तो फेडरिक मिएस्चर ने सबसे पहले DNA को अलग किया था। उसके बाद है, एक भू सुकर और भू वृक के बीच क्या अंतर है? तो भू सुकर सुअर जैसा दिखता है और भू वृक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो वो होती है दिल में। नेक्स्ट है, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए
जापान का कौन सा जहाज चेन्नई में था? तो वो था एचिगो। ठीक है, आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो वो है टोक्यो। टोक्यो करने वाला है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी। बौद्धयन, मानव अपसंबत और कात्यायन कौन है? तो वो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहाँ भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो वो है गोवानलैंड। ठीक है, गोडवानलैंड। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है? तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है बृहदेश्वर मंदिर। चंदा कोचर कौन है? तो वो ICICI बैंक की CEO MD है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर। जिन उप परमाणु कणों से सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें प्रतिकण के नाम से हम लोग जानते हैं। जो कि अल चांपो गुजमैन कौन है? तो वो है मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा है तमिल। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिल बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी IVY क्या है? तो USA में एक आम जहरीला पौधा है ये। ठीक है, USA में एक आम जहरीला पौधा है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो है यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको रेयर लग रहा होगा कि आपने देखा होगा, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो वो जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, ऐसे जियो की ये आपका आखिरी दिन है, ये सीख आपको हमेशा जीवित रखेगी, ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो ये महात्मा गांधी के लिए कहे गए हैं, महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए, माफ़ कीजिएगा। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है वेंकटाद्री मंदिर। ठीक है, वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है इस मंदिर। कौन सा मंदिर? तिरुपाला मंदिर। आप प्रवासीय भारतीय दिवस PBD से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो ये 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लेके 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को। ठीक है, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप करती हैं? तो 22 बार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो यह है शरद पवार की आत्मकथा। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=MC² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो ये कहा है अजय शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वो है बरामिहिर। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। सुस्ती क्या है? यह है पशु निद्रा। ठीक है, सुस्ती पशु निद्रा है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है राज्यों का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमिगत जियोडेसी क्या है? तो भूमिगत है भूगणित, माफ़ कीजिएगा, भूगणित जियोडेसी क्या है? तो भूगणित है गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, मेलोओडिसिस क्या है? तो यह है संक्रामक रोग है। एक कर्नाटक की शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो वो है मत्तूड़। ठीक है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो ये चीन देश के पहले सम्राटों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था? तो 2012 में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था
किसके द्वारा? एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वो है आपका रोम, ठीक है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वो है बिहार का लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार उस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो वो है शुक्र, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लंघित आपातकालीन उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम क्लोराइड किसका है? नमक को भी बोला जाता है। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो 1948 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस किसका अर्थ है? तो बुद्धिमान आदमी का, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत द्वारा पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा था? तो वो है GSAT-7। 2019 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है जापान। बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो वो है स्मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां द्वारा किया गया था जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्राय होती है? तो वो होती है आवास विखंडन के कारण। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता था और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता था? वो है टार्डीग्रेड, ठीक है, टार्डीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है, कस्टर्ड रेगुलरली इंटरसस्पेंड शॉर्ट पेलीड्रॉमिक रिपीट्स, ठीक है, कस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेंड शॉर्ट पेलीड्रॉमिक रिपीट्स। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की? तो वो है विलियम रॉन्टजन, ठीक है, विलियम रॉन्टजन। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पृष्ठ प्रति मिनट। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो वो है न्यू होराइजन्स, ठीक है, न्यू होराइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वो है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था जो कि पावर ग्रिड संचार प्रणालियों के एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रह को प्रभावित कर सकता है? तो वो है डिस्कवर, ठीक है, DSCOVR। नेक्स्ट है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा आधी घट जाएगी, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी घटी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो है मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ है मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। उसके बाद है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेज़ी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया था, तो वो भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में की जाती है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल से शुरू किया गया? तो वो 1973 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2011 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह कौन है? वो है तवाकुल करमान, ठीक है, तवाकुल करमान को किया गया था। जीवों और पर्यावरण के बीचों
बीच की अन्योन क्रिया की वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो वो दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, किस देश ने 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो वो है दक्षिण सूडान। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो वो पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, जो कि उसका एस्क है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट है जिसकी सतह बनी होती है कंक्रीट से। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स है कौन थे, तो वो है क्रोमैग्नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोलशास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था, तो वो है गैलीलियो को। ठीक है, कौन से जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, तो वो है एनिलीडा। ठीक है, एनिलीडा श्रेणी के जो जीव है वो बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है, तो वो है चार मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी बाबर द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया, तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो वो था डेनिस टिटो। उसके बाद है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया इसी वीडियो में। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है, वो है ब्रोमीन। जब एक कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो वो है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया, तो वो है चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो वो हैं 2000 से लेकर 8000 तक। C12H22O11 के रूप में क्या जाना जाता है, तो वो चीनी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चीनी शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी, तो वो है मंगल ग्रह। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो वो है बेल लेबोरेटरीज़ का। ठीक है, बेल लेबोरेटरीज़ का। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में, तो वो है गुजरात में, कच्छ, गुजरात का कच्छ। नेक्स्ट है, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण में डेटा में हेर फेर किया, उसकी वजह से उसे CEO मार्टिन विंटन कर्न को इस्तीफा देना पड़ा, तो वो है वॉक्सवैगन। ठीक है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो है टोटल 208। भारत संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, तो वो है शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है 21A के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, तो वो है एप्पल। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया, तो वो है व्लादिमीर द ग्रेट। ठीक है, बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है, तो वो 5 फुट ऊंचा होता है। ठीक है, 5 फुट वो ऊंचा होता है बैडमिंटन का जाल केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो है असम में स्थित। नेक्स्ट है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है पार्क ग्यून है। ठीक है, पार्क ग्यून है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटोबायोटिक कौन सी थी, तो वो है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया के नज़र में आया, तो वो है
एल्डोस फ्लान, ठीक है, एल्डोस फ्लान में एडोस फ्लान है जो कि एक कीटनाशक है जो कि नज़र आया केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसके द्वारा प्रयोग किए जाने और इसके इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वो है विलियम विलिस कैरियर, ठीक है। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य, तो मार्च जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उपराज्यपाल। 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इनके बीच युद्ध चलता रहा, तो वो था इंग्लैंड और फ्रांस। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खुजराहो कहाँ पर स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में खुजराहो का मंदिर। नेक्स्ट है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार हो गया जब किसने विद्युत डायनोमो की खोज की, तो वो थे माइकल फैराडे। एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए होता है, तो वो है फेवरेट्स, ठीक है, फेवरेट्स का यूज़ किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के शिव अदर अयादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं, तो वो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है एक्सिंटू संरक्षण, इसे कहा जाता है एक्सिंटू संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्या होता है, इस समय उसका वेग होता है 0 और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 2016 में किसने पूर्वानुमान पॉलिसिंग के लिए अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ एक साझेदारी की, तो वो है दिल्ली पुलिस। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं के लिए ओलंपिक खेल शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था, तो वो था गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में है, तो वो है गोवा में विश्व विरासत है। जो कि किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती, तो वो है एक्सरे। जियोट्रॉपिज्म क्या है, तो वो ये गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किसने विकसित किया, तो वो जापान ने किया था, जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन शास्त्र से लिया गया था, तो ये लिया गया था मुंडोक उपनिषद से, ठीक है, मुंडोक उपनिषद से। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की दूर संचार विग रेल रेट रेलटेल के साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की, तो वो है मुंबई सेंट्रल। ठोस आयोडीन किस रंग का होता है, तो वो होता है बैगनी भूरे रंग का और थोड़ा सा काला। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो है बैसाखी। 2016 में इसरो ने भारतीय रेल में किस स्टेशन को सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया गया था, तो वो था अहमदाबाद स्टेशन। नेक्स्ट है, एक संस्कृत की मान्यताओं मूल्यों एवं प्रथाओं के संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, तो संस्कृति सापेक्षवाद, ठीक है, संस्कृति सापेक्षवाद। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो अजीत वाडेकर, ठीक है, अजीत वाडेकर थे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले कप्तान। नेक्स्ट है, मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी है, तो वो है भरतनाट्यम से।
2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का पर्यवेक्षण किया, उसका नाम क्या था? IRNSS-1E। हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। जायकीवाड़ी परियोजना के जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? तो वो है गोदावरी नदी पर। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड माना जाएगा, ठीक है, और 7 से ज़्यादा तो क्षार माना जाएगा। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री सबसे ऊंचे फ्लैट पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? तो वो है रांची, रांची में फहराया था। नेक्स्ट है साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो ये है बड़ी और भारी बकरियाँ। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो मैसूर। सबरी कार्तिक कौन है? तो वो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। भारत की सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में चलती है? तो वो चलती है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुकला क्या है? तो मधुकला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। प्लेनेट 9 क्या है? बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्की पेरेगो क्या है? तो वो है दीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। नेक्स्ट है, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा खोज की गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी 4। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो वो है केनिया में। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 30 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर। मेल किस देश की राजधानी है? तो मले किस देश की राजधानी है? तो वो है मालदीव की। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो वो मानी जाती है विष्णु शर्मा द्वारा। यदि H2O हाइड्रोजन तो KOH क्या है? तो पोटेशियम। देखिए यहाँ पे H है तो हाइड्रोजन हुआ, वो बाद में है, तो यहाँ पे सबसे पहले K है, तो K का मतलब होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम मिलता है। अंजलि ईला मेनन कौन है? तो भारतीय महिला कलाकार रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबू साइखोवा नामेरी और ओंगल नेशनल पार्क के सभी किस राज्य में है? तो ये है असम में। ड्रिबूगढ़ साइखोवा नामेरी और नेशनल औरंग नेशनल पार्क ये सभी असम में है। स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित किया जाता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजस्थान में। M.S. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किस प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी हरित क्रांति में। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों पर एक श्रृंखला बुनाई थी? तो वो है अतुल डोलिया। अभ्रक किस राज्य में बहुयायत में पाया जाता है? तो बिहार में बहुयायत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण द्वारा सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लंदन। इसका करेक्ट आंसर है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो कंपाला। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो वो है अफगानिस्तान। 2015 में गोल्डन पीक्स इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा था? तो वो है, सबसे शांतिपूर्ण देश वो है आइसलैंड। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? वो है जमुना। सेपेक तिक्रेव क्या है? ये है वॉलीबॉल में किक मारना, उसको बोला जाता है। डिजिटल संकेतों को समावृत संकेतों में प्रभावित करने का उपकरण होता है मॉडेम। कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो वो है चावल की। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैख तख्ता पलट को परास्त किया? वो है नवाज शरीफ।
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है? वो है मीथेन। भूटान की राजभाषा है जोंगखा। ठीक है, C6H6 क्या है? ये है बेंजीन। लिमरिक क्या है? ज़्यादातर 5 लाइनों की एक कविता को लिमरिक कहा जाता है। ठीक है, भारत में होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरों के ऊपर रंग और पानी फेंककर। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? वो है अजमेर में। एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे, एक पड़ोसी आकाशगंगा। सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव सिग्मो। ऊट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का त्यौहार है? वो है पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में लगता है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो नेबुला कहा जाता है। 1986 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो वो की थी एथेंस ने। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? वो है UN, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है, अनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? वो है सपनों का। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? अंकित प्राण जायसवाल को। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1, जिसमें लगभग हमने 900 से लेके 1000 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अपना प्यार हमें देते हैं, तो पार्ट 2 भी जल्दी हम लोग लेकर आएंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, जो भी सारे क्वेश्चन थे सभी NTPC में पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में भी ये सब कॉमन पूछे गए हैं। कुछ अभी आपने देखा होगा CGL का भी क्वेश्चन कुछ इसमें से कॉमन पूछा गया था इस बार का। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस आप तक पहुँचा सकें। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी हम लोग की तरफ से फ्रेंड्स। अब सारा जो क्रेडिट आपको जाएगा अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप लोग प्यार देते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि SSC हो या बैंक हो या फिर कोई भी जॉब अपडेट हो या कोई भी रिज़ल्ट अपडेट हो, कैसा भी अपडेट हो या कोई भी स्टडी मटेरियल, सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेज हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPET10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है। रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और अगर आपको भी कुछ ऐसी डिमांड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसकी सैलरी स्लिप आपको देखनी है अगले वीडियो में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।